I call upon Prime Minister Sri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री राजनाथ सिंह टू सेकेंड द मोशन। महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री राजीव रंजन सिंह अलैस लालन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी, जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान टू सेकेंड द मोशन। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। श्री जीतन राम मांझी। अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को, जो मेंबर के हाउस हैं, उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव दे रहा हूँ। श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी टू सेकेंड द मोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इस सभागृह आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। श्री यादव प्रताप राव गणपत राव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय श्री ओम बिरला जी, जो इस सभा के सदस्य है, इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तरे। आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय प्रताप राव दादो। श्री चिराग पासवान। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासुमतारी टू सेकेंड द मोशन। आई राइज टू सेकेंड द मूव बाय श्री चिराग पासवान दैट श्री ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ द हाउस, बी चूजन एज द स्पीकर ऑफ द हाउस। थैंक्स। श्री एच डी कुमारस्वामी। आई प्रपोज श्री ओम बिरला जी फॉर द स्पीकर इलेक्शन। श्री बालेश्वरी बल्लभनेनी जी एज ए स्पीकर ऑफ दिस हाउस। श्री किंजरपुर राममोहन नायडू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, ये प्रस्ताव में रखता हूं।
श्री लवु कृष्ण देवरायलु डॉक्टर इंद्रा हांग सुबा टू मूव द मोशन I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. Sri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. Honorable Speaker, sir, I second the motion. Srimati Anupriya Patel. Adhyaksh Mahoday, main prastav karti hoon ki Sri Om Birla ji. जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए श्री किशन पाल श्री कृष्ण पाल महोदय मैं इसका समर्थन करता हूं श्री अरविंद गणपत सावंत टू मूव द मोशन Item number 12. Mic is not working. Sir, Honorable Chairman, sir, that Sri Kodikunil Suresh, a member of this house, be chosen as the Speaker of the House, sir. Thank you. Sri N.K. Premchandran, to second sir, the motion. Sir, I second the motion moved by my learned friend, Sri Arun Sir. To nominate Sri K. Suresh as the Speaker. Anand Bhadauria, to move the motion. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए श्री तारिक अनवर टू सेकंड द मोशन हाँ महाशय जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए मैं उसका समर्थन करता हूं श्रीमती सुप्रिया सुले Wait. Sir, I would like to move the motion that Sri Kodikunil Suresh, as a member of the House, to be chosen as the Speaker of the House. Srimati Kanimodi Karunanidhi. Sir, I second the motion moved by Supriya Suresh to choose Sri Kodikunil Suresh as the Speaker of the House. Dr. Virendra Kumar to move the motion. Shri Joel Oram to second the motion. मेरा साथी वीरेंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूँ Professor S.P. Singh Baghel. That Sri Om Birla, the member of this house, be chosen as a speaker of this house. Sri Pankaj Chaudhary to second the motion. Okay, my professor S.P. Singh Baghel ji ki prastav ka samarthan karta hu. Srimati Annapurna Devi to move the motion. Sir, main prastav karti hu ki Sri Om Birla jo is sabha ke sadasya hain unko is sabha ke adhyaksh ke roop mein chuna jaye. श्रीमती कमलजीत शरावत टू सेकंड द मोशन आदरणीय महोदय मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूं आई नाउ पुट द मोशन मूव्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी एंड सेकंडेड बाय श्री राजनाथ सिंह टू द वोट ऑफ द हाउस द क्वेश्चन इज दैट श्री ओम बिरला ए मेंबर ऑफ दिस हाउस be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted.
Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है इसलिए वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट स्टेज आई इनवाइट श्री ओम बिरला टू कम अप एंड ऑक्युपाई द चेयर चेयर है आप संभाले श्री किरेन रिजू जी. ऑनरेबल स्पीकर सर, बिफोर द बिजनेस कुड बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक श्री भर्तृहरि मेहताब हु हैज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज स्पीकर प्रो टेम. ही हैज कंप्लीटेड एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ ओथ एंड इंफॉर्मेशन वेरी स्मूथली within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker pro tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire house, I thank all of them. Once again, I thank all the honorable members for your cooperation. Mananiya Pradhan Mantri ji, Adaraniya Adhyaksha Mahoday, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं. आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं. अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार
इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है, आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है वो भी अपने आप में गांव गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े कंबल मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता जूते ऐसी अनेक सुविधाएं
समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करते के पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपके अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की, इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला, उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था
जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया, हाँ मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ, एक अपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है P20, और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ, और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए, और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ चार दीवारें नहीं है, हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही, और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा, कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की, और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया, सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चढ़ाया, किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह पे जाकर बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए, और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया, ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को
विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं।